नागपुर के निवासी समीर ठक्कर ने एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले को मुंबई पुलिस से सीबीआई या विशेष जांच दल एसटीआई या मुंबई के बाहर के मामले से हटाने की मांग की गई है। हाल ही में सामने आया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संरक्षण में तैनात शहर के पुलिस बल के सुरक्षा कर्मी ने करोड़ों की संपत्ति जमा की है। यह बात सामने आई है कि गडकरी को जब उसके अवैध संपत्ति के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे हटा दिया है। जिले में कोरोना लगातार भयावह होता जा रहा है। रोजाना संक्रमितों के साथ मौतों का अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मंगलवार को जिले में 340 संक्रमित सामने आए, वहीं पिछले 24 घंटों में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर का बुधवार को भूमि पूजन किया जाएगा। इस अवसर पर नागपुर में भी समारोह आयोजित किया जा रहा है। कई जगहों पर श्रीराम धुन बनाई जाएगी, कई जगह भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को यूपीएससी के परिणाम घोषित किए गए। इसमें नागपुर के निखिल दुबे ने 433 रैंक हासिल किए। ओल्ड मॉरिस कॉलेज नागपुर में भारतीय प्रशासनिक पूर्व सेवा प्रशिक्षण केंद्र में है। मंत्री आयुक्त तुकाराम मुंडे ने मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों में कोरोना महामारी के कारण होने वाली मौतों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। निगम आयुक्त तुकाराम मुंडे ने सकारात्मक रोगियों के संपर्क में आए नागरिकों को तुरंत कोविड परीक्षण कराने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न स्थानों पर शुरू किए गए कोविड परीक्षण केंद्रों का दौरा किया। महाराष्ट्र बिजली वितरण कंपनी द्वारा बुधवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक करने वाले शटडाउन को पीछे लिया गया है। श्रीराम मंदिर भूमि पूजन समारोह का आयोजन बुधवार को अयोध्या में किया गया। होटल और रेस्टोरेंट में धड़ल्ले से बिकने वाले नकली मक्खन पर सरकार जल्द ही रोक लगा सकती है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने मामले में दखल देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। शहर में संपत्ति कर वसूली कोविड-19 महामारी के कारण रोक दी गई थी। मनपा की आय का स्रोत कर के रूप में प्राप्त रेवेन्यू है, इसलिए अब मनपा अधिकारियों को अधिक से अधिक कर संग्रह पर ध्यान देने की आवश्यकता है।